हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप लोगों का कीवा रिसर्च किंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ घटना बताने वाला हूँ, मेरे साथ जो हुआ है, कल हुआ है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो आप अच्छे से देख लें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी आप देखें या ना देखें, और ठीक है, वो अलग बात है। जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं आपके साथ भी होंगी, और ये होंगी, ज़रूर होंगी, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तब 5 मिनट आप ध्यान समझ लीजिए। आप अगर एक यूट्यूबर हैं, आप अगर एक ब्लॉगर हैं, आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग के साथ इस तरह के चीटर हेटर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे इस नंबर पे कल 9:20 पे मुझे मैसेज आया, 7348443517 पे, और इसने बोला हेलो। तो मैंने भी पूछा हेलो, मैंने 9:47 पर रिप्लाई दिया, और ये बंदा जो है 9:20 पे इसने मैसेज किया, तो मैंने 9:47 पे मैंने कहा हेलो कौन, तो इसने बताया कि मैं अमन। ठीक है, इसने बताया अपना नाम अमन जब मैंने पूछा। अब यहाँ पूछा मैंने कि काम बताओ, तो मैंने काम बताओ, तो वो कह रहा कि डॉलर कितना बना रहे हो ब्रो। ठीक है, उस वक्त मैं आर्टिकल लिख रहा था, आप लोग को पता है कि गूगल का अपडेट आया है, तो साइट का है कि मेरी भी डाउन हुई है। ठीक है ना, तो कुछ मेरी साइट है जो दो दो तीन साइटें डाउन हुई हैं, बाकी थोड़ा बहुत सब में हुआ है, ऐसा नहीं है कि सबके वेबसाइट में हो सकता है सबके में ना हुआ हो, पर मेरे में हुआ है। ठीक है, मेरी थोड़ी बहुत वेबसाइटें डाउन हुई हैं। ठीक है, मतलब जो ट्रैफिक था वो कम हुआ है, तो उसी के लिए मैं आर्टिकल लिख रहा था, उसे ऑप्टिमाइज़ कर रहा था अपनी वेबसाइट को, तो उसी वक्त ये बंदे ने मुझे किया। तो मैंने उसके बाद 1-1.5 मिनट बाद मैंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया, है ना। मैंने 1-1.5 मिनट बाद इस नंबर को क्या किया, मैंने ब्लॉक कर दिया उसके बाद। और उसके बाद बंदे ने, जब मैं ब्लॉक कर दिया, तो इसने मुझे दोबारा मैसेज किया, दूसरे नंबर से। ठीक है, लगभग ये मैसेज किया 9:51 पे, मतलब कि 5 ही मिनट बाद, 3 4 5 मिनट बाद इसने दोबारा मैसेज किया दूसरे नंबर से। तो मैंने क्या किया, जब इसने मैसेज किया मुझे, तो मैंने इसका नाम नाम डोमेन के नाम से ही सेव कर लिया। ठीक है, इसने कहा कि वेट, डोमेन तुम्हारा स्पैम में जाने वाला है, जा निकाल। ठीक है, तो मैंने इसने मुझे नाम तो नहीं बताया, तो मैंने इसका नाम सोचा कि डोमेन के नाम सेव कर लो, तो मैं आर्टिकल लिख ही रहा था उस वक्त, मैंने इसका नाम डोमेन के नाम सेव कर लिया, और फिर मैंने आके देखा, तो देखा ये सब लिख के भेजा ही है। उसके बाद सबसे पहले मुझे डाउट हुआ कि ये नंबर दोनों इसी का है। ठीक है, तो मैंने इस पर सबसे पहले इस पर कॉल लगाया, 7317 वाले पर मैंने कॉल लगाया। ये बंदा क्या किया, मुझे ये नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिया। मैंने व्हाट्सअप कॉल किया, मैंने फिर उसको कॉल लगाया डायरेक्ट, ये नंबर क्या बिजी बिजी यानी ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने इस नंबर पे कॉल लगाया तुरंत। ठीक है, 5 10 मिनट बाद मैंने इस नंबर पे कॉल लगाया, मैंने फिर पूछा, और कि फिर मैंने जब कॉल लगाया, तो ये भी नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया। ठीक है, बिजी बिजी ये भी बता रहा था, और ये भी नंबर मेरा बिजी बता रहा था। ठीक है, उसके बाद जब बिजी बता था, इसने जब मैं कॉल कर रहा था, इसने तुरंत मुझे मैसेज किया, 9:53 पे मुझे मैसेज किया, और इसने तुरंत कॉल कहा कि अबे जाना निकाल, चूतियों से बात नहीं करता। इसने मुझे कहा कि अबे जाना निकाल, चूतियों से बात नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैसेज किया है माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे डोमेन तुम्हारा इस पे में जाने वाला है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर यूट्यूबर हैं और अगर आप लोग एक ब्लॉगर हैं, तो आप अपना डोमेन नेम किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ठीक है, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते कैसे अपनी वेबसाइट को बचाना है किसी से, ठीक है, किसी से कैसे आपके अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना है, जब तक आप इन सब चीज़ों के बारे में आप जान नहीं जाते, तब तक आप अपना डोमेन रिवील किसी के साथ मत कीजिए। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि बताइए मत डोमेन। ठीक है, क्योंकि अगर आपका, मैं छोटी मोटी वेबसाइट का बता सकते हैं, जिस पर ट्रैफिक हो रहा है 200 300 वाला है, उसको पूरी दुनिया के साथ बता दीजिए, उससे नहीं कोई दिक्कत है। अगर आपकी जो अच्छी खासी वेबसाइटें हैं, उसको आप बिल्कुल नहीं बताइए, किसी से मत बताइए। ठीक है, क्योंकि इस तरह के लोग आपके पीछे पड़ेंगे, और आप समझते हैं कि जब कोई अच्छा कोई काम करता है, तो उसकी टांग पकड़ खींचने वाले 4 लोग पहले ही से ही तैयार रहते हैं कि कब मौका मिले कब इसकी टांग पकड़ खींचूँ। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ इससे, इस मैसेज से, और इसने मुझे मैसेज भी किया, और इसके बाद मैं आपको कीवर्ड भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 3 कीवर्ड बताऊँगा, आइडिया भी बताऊँगा। ठीक है, मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिर मैंने से तुरंत मैंने इसको मैसेज किया कि डोमेन का नाम बता, डोमेन का नाम तो बता, जल्दी से बता भाई। ठीक है, मैंने कहा कि डोमेन का नाम नेम तो बता, जल्दी से बता भाई। फिर मैंने कहा नेम बता, डोमेन का 50 वेबसाइट चल रही हैं, कैसे पता करूं। ठीक है,
तो लगभग मतलब कि 46 वेबसाइटें हो गई, और अब मैं अकेले नहीं काम करता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, तो आप हो सकता है आपके लिए पॉसिबल हो, आप एक वेबसाइट दो वेबसाइट पे काम कर लें वही पॉसिबल है अच्छे से, ठीक है। तो काफ़ी लोग हैं, हम लोग हैं 4-5 लोग हैं मिल काम करते हैं, ठीक है। तो इसने मैंने कहा कि 50% से कौन सा डोमेन, अब ये देखो मुझे कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, अब इसको डोमेन के बारे में पता भी नहीं है मैं, है ना, इसको डोमेन के बारे में पता नहीं है और इसने मुझे क्या बेवकूफ़ बना के छोड़ दिया। इसने कहा कि डोमेन तुम्हारे स्पैम में जाना है, अब इसको डोमेन के बारे में पता भी नहीं है, मैंने किसी से डोमेन के बारे में बताया ही नहीं और इसने मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह के लोग आपके पीछे ज़रूर पड़ेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डोमेन का रिवील आप किसी भी यूट्यूब के वीडियो पर मत कीजिए, अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है तो आप यूट्यूब के वीडियो पर बिल्कुल ना बताएं, और यही कारण है कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना। सच्चाई मेरे दोस्त यही है कि मैं आपके यूट्यूब के वीडियो पर नहीं बता रहा हूँ, लोग मुझे कमेंट भी पूछते हैं कि ऐसा मतलब ये सब कुछ को, ये सब कीवर्ड्स से मार्केटिंग या फलाना ढिमकाना जो भी बता रहे हो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारी भी कोई वेबसाइट है, मुझे कमेंट भी ऐसे आए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँ कि मैं नई वेबसाइट बना रहा हूँ, उसको मैं आपके साथ दिखाऊंगा, उसको भी रैंक कराऊंगा, मेरा दूसरा चैनल आज से स्टार्ट हो जाएगा, आज को शाम को वीडियो मैं दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगा, तो उसका लिंक भी दूंगा, और उसके उसके बाद जाना उस वेबसाइट को देखना, सब कुछ करना, रोज़ विजिट करना, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरी छोटी वेबसाइट कोई नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर नया वेबसाइट मैं बनाऊंगा, आज बना के आज शाम को मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूसरे चैनल पे आपको बताऊँ कैसे ब्लॉगिंग किया जाता है और कैसे रैंक करा जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो इन लोगों से आप एकदम दूर रहिए, इसीलिए मैं आपको बार बार मना करता हूँ, हर वीडियो में मना करता हूँ कि आप लोग किसी भी मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो लोग अपने HRF का टूल बेच रहे हैं, मेरे वीडियो के जो मेरा वीडियो है इनके कमेंट सेक्शन में लोग HRF का टूल बेच रहे हैं, है ना, बैकलिंक बेच रहे हैं, है ना, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए आप लोग इन लोगों से दूर रहिए, ये लोग आपसे का आप लोगों का सिर्फ पैसा खाएंगे, ठीक है। मैं ये बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं इन लोगों का बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें ये सब जानते हैं, है ना, जो बिगिनर होते हैं उनको पता नहीं होता है। अगर किसी को HRF टूल अगर ख़रीदना है या किसी को आपको होस्टिंग खरीदना है या डोमेन खरीदना है, आप किसी ऐसे ब्लॉगर से संपर्क कीजिए जो आपको बताए, ठीक है, कमेंट में जो बता रहा है उसके पीछे बिल्कुल ना जाइए, ठीक है, वो कोई ना कोई स्कैमर ही है, चीटर ही है जो आपको बता रहा है, ठीक है। तो इन लोगों से आप दूर रहिए, हाँ उनसे पूछ लीजिए जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से आप पूछ लेंगे तो वो आपको सही चीज़ें बताएंगे, ताकि वो जो वो लोग देखो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जो जो काम करता हूँ उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको कहाँ से डोमेन खरीदना है, कहाँ से होस्टिंग चला सकते हैं आप अच्छी, ठीक है, कहाँ से आप HRF टूल बाय कर सकते हैं या और भी कोई टूल कैसे बाय कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे यूज़ कर सकते हैं कैसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मुझे मेल पर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। पर आप अगर कमेंट सेक्शन में अगर ये चीज़ें पूछते हैं तो वहाँ पर मैं नहीं रिप्लाई दूंगा, वहाँ पर स्कैमर जो होगा मेरे चैनल का वो सब्सक्राइबर ही होगा कोई ना कोई, ठीक है, बाहरी कोई नहीं होगा, चैनल का सब्सक्राइबर ही होगा, वो आप लोग का टारगेट करेगा और आप लोग को पैसे ले लेगा और आपको कोई भी चीज़ नहीं देगा, फिर वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देगा, चला जाएगा, सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता, पर वो भाग जाएगा आपको पैसा लेकर, ठीक है। तीन लोगों से आप बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है, और इस तरह का अगर कोई धमकी उमकी मिलती है तो आप इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नए लोग हैं, ठीक है। और मैं इनको बता दूँ, अमन अमन को, इनका नाम अमन है, तो मैं भाई साहब आपको बता दूँ कि मैंने 1076 CM हेल्पलाइन में मैं जॉब करता हूँ, है ना, अगर सर्वर पे तुम्हारा नंबर मैं अभी बता दूँ, भेज दूँ, है ना, सर्वर पे नंबर अगर तुम्हारा भेज दिया जाए तो अभी तुम जहाँ के हो वहीं वहीं उठ जाओगे, और आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और चप्पे चप्पे पे हर नाके पे हर मोड़ पे, है ना, पुलिस घूम रही है 24 घंटा रातों दिन घूम रही है ना, अगर इस तरह की अगर उनको खबर मिलेगी तो क्या आपको छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना, तुरंत का तुरंत तुमको उठा लेंगे और तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगी। और अगर तुमको इतना ही सब कुछ आप मुझे चूतिया बनाना है या कुछ भी गाली गलौज देना है तो मुझे तुम कॉल करो, है ना, या तो तुम मेरा कॉल रिसीव करो या तो तुम मुझे कॉल करके डायरेक्ट गाली दो अगर तुम्हारे में दम है तो, है ना, तो मैं अमन को बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे में दम है तो मेरा कॉल रिसीव करो, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें, ठीक है, या तुम मेरे पास कॉल करो, मेरा नंबर तुम्हारे पास आई है, ठीक है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ तो ऐसा कर दिए अमन भाई, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो किसी के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे जैसे कोई आप हो सकता है कोई नया हो तो उस बंदे को थोड़ी मुसीबत हो सकती है, तुम, है ना, तुम्हारे इन डायलॉग से जो तुमने भेजा है मुझे मैसेज में, तुम्हारे इन डायलॉग से उनको परेशानी हो सकती है, मुझे तो मैं थोड़ा सा अगर मतलब 2-3 साल से कर रहा हूँ तो मुझे नहीं परेशानी है, पर अगर नए लोग हैं अगर वो 6 महीना 5 महीने, तो इन लोगों इस चीज़ से वो डर जाएंगे, ठीक है।
और क्योंकि नहीं पहली बार वो देख रहे हैं, पहली बार फेस कर रहे हैं तो लोग डर जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हूँ 8:14 पे, यानी आज के डेट में मैंने लिया है, ठीक है। तो इन लोगों से आप दूर रहिए, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, मैं चाहता हूँ सब लोग प्रोटेक्ट में रहें और अच्छा ग्रोथ करें अपने ब्लॉगिंग करियर में, और सबके सब सक्सेसफुल बने, ठीक है। तो अब मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ। तो यहाँ और सेली हिल्स, ये देखिए, ये देखो कीवर्ड का आइडिया जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। पूरी बातें तो नहीं बता पाऊँगा, पर मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे मुझे अब कहीं और जाना है, जैसे हनीमून पे जाना है किसी को, ठीक है, तो मालदीव पे जाते हैं। यहाँ बेस्ट हनीमून ट्रिप से कौन कौन सी जगह है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से बेस्ट हिल्स है जहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। और उसके नियरेस्ट, इन चीज़ के नियरेस्ट, जैसे मैं मान लेता हूँ वो ताज होटल है, ताज होटल के नियरेस्ट कौन कौन से छोटे छोटे होटल हैं जहाँ पर हम रुक सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आइडिया आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर हॉस्टल हिल्स है कि यहाँ पर रिजोर्ट, देखना यहाँ पर रिजोर्ट भी है, होटल से भी है। यहाँ पर बैंगलोर टू हॉस्टल हिल्स, ठीक है, बैंगलोर से कैसे हॉस्टल हिल्स जा सकते हैं, ठीक है। हॉस्टल हिल्स होटल, उसके हॉस्टल हिल्स के होटल कौन कौन से हैं, वहाँ आस पास की चीज़ें, है ना। तो आप आस पास की चीज़ें के बारे में वहाँ पर आप बता सकते हैं इस तरह के कीवर्ड के, ठीक है। अब आप देखेंगे, ये इंडिया का कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, या 28K का सर्च वॉल्यूम है और 97% का ऑर्गेनिक है, इंडिया का ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, मैं अभी आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसकी अच्छी खासी वीडियो बनाऊँगा, कैसे आप टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे कैसे आप चूज़ कर सकते हैं। बिरला मंदिर, ठीक है, बिरला मंदिर पे आप देखिए अच्छा खासा ट्रैफिक है, 74K का सर्च वॉल्यूम है, 75K का ग्लोबल, जो इंडिया का ट्रैफिक है वो आप देखेंगे 34 का सर्च वॉल्यूम है, यानी 34,000 का सर्च वॉल्यूम है, वो इंडिया का है, ठीक है। 98% का ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बिरला मंदिर क्या क्या सर्च करें। बिरला मंदिर टाइमिंग्स, बिरला मंदिर हैदराबाद, बिरला मंदिर जयपुर, बिरला मंदिर दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग प्लेसेस पे लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आप अलग अलग प्लेसेस बताने के कि बिरला मंदिर दिल्ली में कहाँ पर है, और बस स्टेशन से कितना दूर है, आपको कितना समय लगेगा जाने में, रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, कितना समय लगेगा जाने पे, देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सर्च करते हैं गूगल पे, पहले वो एनालाइज करते हैं गूगल मैप से, गूगल मैप के द्वारा कि कितना दूर है वहाँ पर, पहले वो ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा, कौन कौन से रास्ते से गुजर के जाना पड़ेगा, वो पहले ही सर्च करके अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं ताकि मुझे यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक जाना हो, ठीक है। तो ऐसे लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब बिरला मंदिर हैदराबाद, अब हैदराबाद में बिरला मंदिर कहाँ, तो वहाँ पर लोग सर्च करेंगे बिरला मंदिर हैदराबाद, तो कैसे कैसे जाना है हैदराबाद, मतलब कि हैदराबाद, ठीक है। अगर मुझे लखनऊ से हैदराबाद जाना है तो मैं कैसे कैसे जाऊँगा, तो मैं पूरा पहले सर्च करूँगा, नोट कर लूँगा, और मुझे फिर वहीं वहीं मैं जाऊँगा ताकि मैं सही समय पे सही जगह पहुंच पाऊँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में आप आर्टिकल लिख सकते हैं इसके बारे में, और लोगों ने लिखा है, आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे तब लिखा है लोगों ने, अच्छा खासा ट्रैफिक ले जा रहे हैं, ठीक है। अब यह है रमोजी फिल्म सिटी, ठीक है, रमोजी फिल्म सिटी के, अब यहाँ पर देखो बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में बताने के लिए। रमोजी फिल्म सिटी के बारे में आप बता सकते हैं, वहाँ पर टिकट कितना है और ये कहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर इसके फिल्म सिटी के आसपास कौन कौन से होटल हैं, है ना, और कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं। और ये इंडिया का कीवर्ड है, 71% का इंडिया का कीवर्ड है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। और 79% का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा पेड है, 21% पेड है, तो आपको क्या है हाई अथॉरिटी की वेबसाइट से आपको बैक लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सर्चेस में, यहाँ पर देखो सर्च किया रहा रमोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, ठीक है, रमोजी फिल्म सिटी, एंट्री फीस के बारे में आपको सर्च किया जा रहा है कि जहाँ पर फिल्म सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर एंट्री के लिए फीस कितनी देनी पड़ती है, आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में आर्टिकल में बहुत अच्छे से बता सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। कितना टिकट लगता है फिल्म सिटी में जाना, रमोजी फिल्म सिटी में टिकट कितना लगता है, कितने का टिकट लगता है वहाँ पर बता सकते हैं, टिकट प्राइस क्या है उसके बारे में बता सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज करके आप बता सकते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, मैं इसका पूरा एक अच्छा सा वीडियो बना के मैं आप बताऊंगा कैसे बनाया जाता है, इस तरह की वेबसाइटें कैसे बनाई जाती है, ठीक है। जैसे ट्रैवल्स को ना, ट्रैवल एडवाइजर हुआ, मतलब कि हनीमून के लिए लोग जाते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो इस तरह की वेबसाइटें आपको बनानी पड़ेगी, उस तरह की वेबसाइटें के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये रहे आज का कीवर्ड, और मैंने 3 कीवर्ड बताया है, क्योंकि
क्योंकि मैं जानता था इस तरह के वीडियो बनाते बनाते लंबा हो जाएगा। तो इन सब चीटरों से आप दूर रहिए, जो इस तरह के मैसेज करते हैं, जो इस तरह के फ्रॉड करते हैं, सभी से दूर रहिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और जो वीडियो में कमेंट करते हैं कि मेरा ये टूल बाय कर लो, मेरी ये बैकलिंक बाय कर लो, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। आप किसी ब्लॉगर से संपर्क कर लीजिए, वो आपको बता देगा कहाँ से आपको बाय करना चाहिए कौन सा चीज़, क्योंकि वो चीज़ें यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको बता सकता है, ठीक है। तो इन लोगों से आप संपर्क बनाइए और इन लोगों के पीछे बिल्कुल ना जाइए जो कमेंट में लोग पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग स्कैमर है, चीटर हैं। तो अगर आप कीवर्ड से मार्केटिंग सीखना चाहते हैं मुझसे सीखते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ और कीवर्ड को कैसे फाइंड किया जाता है। किसी भी ब्लॉग के लिए, किसी भी टाइप का ब्लॉग आप बना सकते हैं। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रैवल एडवाइजर के, ट्रैवल ब्लॉग के लिए, या बेस्ट प्लेसेस के लिए, बेस्ट होटल के लिए, नियरेस्ट बेस्ट होटल कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आपको 3 से 5 मंथ के अंदर क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप रैंक करा के आप ट्रैफिक ले सकते हैं और एडसन के बदौलत आप रेवेन्यू अच्छा खासा ले सकते हैं, ठीक है। तो संपर्क कर लीजिए मुझे, और यहाँ पर मैंने आपको दिया रखा है कि अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com, ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं और सारी जानकारी आप मुझे मेल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं और जाते हैं तो बता दूँ कि अपनी वेबसाइट बिल्कुल आप रिवील ना करें अगर आप यूट्यूबर हैं। छोटी मोटी अगर वेबसाइट है, छोटा मोटा ट्रैफिक वाला, तो मैं आपको कहता हूँ कि रिवील कर सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा खासा ट्रैफिक है तो बिल्कुल आप रिवील मत कीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड ये कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग का अगर आपको फीडबैक देखना है, तो आप मुझे यहाँ पर जो लोगों ने फिर मेरा कोर्स ज्वाइन किया है, यहाँ पर जो भी मेरे क्लाइंट है, मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, बाकी अभी हम लोगों का वीडियो नहीं आ पा रहा है ना, तो कीवर्ड रिसर्च कोर्सेज फीडबैक यहाँ पर आप जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। 2 वीडियो मैंने अपलोड किया, बाकी और भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा थोड़े दिन बाद, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।